नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कुछ दिन पहले जो ईरान अपने ही जनरल कासिम सुलेमानी के इंतकाम की आग में जल रहा था, आज उसके इंतकाम का आग का गोला खुद ईरान के अंदर ही फूट गया। हालत यह हो गई है कि ईरान की सड़कों पर जो भीड़ अमेरिका से बदला लेने के लिए उतरी थी, आज अपने ही तानाशाह को फांसी देने की मांग कर रही थी। और ये सब हुआ ईरान की उस एक गलती की वजह से जिससे 176 निर्दोष लोगों की जान चली गई। ईरान को ये गलती इतनी भारी पड़ रही है कि अब उसे खुद अपने ही देश के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 8 जनवरी को तेहरान एयरपोर्ट पर यूक्रेन का जो विमान क्रैश हुआ था वो ईरान की मिसाइल से ही हुआ था। हालांकि ईरान इसे अनजाने में हुई मानवीय भूल बता रहा है, लेकिन गलती सामने आने के बाद ईरान में हंगामा खड़ा हो गया। ईरान ने शनिवार को स्वीकार किया था कि उसने ही यूक्रेन के विमान को मार गिराया। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ट्वीट कर कहा था, इस विनाशकारी गलती के लिए ईरान को बहुत दुख है, पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, मैं तहे दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके बाद ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने भी ट्वीट किया और कहा कि बेहद पछतावा है, सभी पीड़ित परिवारों और प्रभावित देशों के प्रति संवेदना और माफी। इन ट्वीट के सामने आते ही जो ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी का इंतकाम लेने की आग में जल रहा था वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। हजारों की संख्या में तेहरान की आमिर कबीर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तानाशाह को फांसी दो जैसे नारे लगाए, अपने सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामनेई को फांसी देने की मांग की। इन लोगों के हाथों में पोस्टर्स और बैनर थे जिस पर खामनेई के खिलाफ नारे लिखे थे। इन्होंने खामनेई को यूक्रेन का विमान मार गिराए जाने का जिम्मेदार बताया और कहा कि अगर खामनेई में जरा भी शर्म है तो उन्हें देश को छोड़कर चले जाना चाहिए। यही नहीं, इन लोगों ने कासिम सुलेमानी को भी हत्यारा बताया। दरअसल ईरान ने सफाई दी थी कि यूक्रेन का विमान संवेदनशील सैन्य ठिकाने के करीब उड़ान भर रहा था, इसीलिए उसे निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान की कुर्द फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी, जिससे ईरान बुरी तरह भड़क उठा था। ईरान ने ऐलान कर दिया था कि वो अपने जनरल की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसके बाद ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल दागी थी। इसी के कुछ घंटों बाद ही यूक्रेन के विमान के साथ हादसा हो गया। अमेरिकी मीडिया ने तो पहले ही दावा किया था कि ये विमान ईरानी मिसाइल से ही क्रैश हुआ है। इसके बाद कनाडा के पीएम ने भी ऐसा ही दावा किया था। हालांकि ईरान तब तक यही कहता रहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो उसे दे, लेकिन शनिवार को ईरान ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया।